आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी चटपटा मसालेदार पंजाबी छोले मसाला। एकदम सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। अगर कोई पहली बार बना रहा है तो बहुत आसानी से मेरे इस रेसिपी को देखकर बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। छोले मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप छोले ले लिया है। इस छोले को हमने रात में भिगो के रख दिया था। अगर छोले को सुबह बनाना है तो इसको रात में ही भिगो के रखना है। अब छोले को हमने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसी कटोरी से हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर के लीड को लगा के इस छोले को 8 सीटियाँ आने तक इंतज़ार करेंगे। आठ सीटियाँ आने के बाद हम अब छोले को एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर लिया। देख सकते हैं मेरा छोले कितने अच्छे से पक गया है। अब हम इस छोले पे 1 चम्मच नमक डाल के इसको ढककर रख देंगे। अब हम गैस के चूल्हा के ऊपर एक पैन पे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी तेल में हमने 1 प्याज काट कर डाल दिया है और देख सकते हैं प्याज का काला गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के एक मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे। अब हम उसी तेल पे 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया है और कुछ खारे मसाला डालेंगे। खारे मसाला का इंग्रेडिएंट लिस्ट स्क्रीन पर है, आप लोग देख लीजिएगा। मसाला को 15 सेकेंड तक फ्राई करनी है। खारे मसाला की अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 प्याज। प्याज को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। प्याज को 30 सेकेंड भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर का प्यूरे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखे प्याज और टमाटर की पेस्ट को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कद्दूकस किए हुए अदरक और 1 टीस्पून कद्दूकस किए हुए लहसुन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के जीरा का पाउडर। अब हम इस मसाला को अच्छे से भून लेनी है जब तक ना मसाला अपने आप तेल छोड़ने लगती है। आप लोग देख सकते हैं मसाला ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम डाल रहे हैं उसी प्याज का मिश्रण जो हमने पहले गोल्डन ब्राउन करके मिक्सी जार में पीस लिया था। छोले की मसालेदार ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे छोले। अब हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे 1 टीस्पून छोले मसाला। अब हम इसको ढककर 10 मिनट तक कुक करेंगे। लो, तैयार हो चुके हैं हमारी पंजाबी छोले मसाला की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे आज के छोले मसाला की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।